असलामुअलैकुम, आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और इस बार होल्ड ड्रॉप बनना था 9 बजे, एंड यहाँ पर नॉर्मली बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं। इस बार यहाँ पर 6 से 7 बंदे थे, एंड 2 बंदे यहाँ पर मेरे साथ ही लैंड कर रहे थे। अब यहाँ पर मैंने राइट साइड को गल्टी मारी वेयर हाउस के ऊपर, क्योंकि यार यहाँ पर गन फाइट हम ले नहीं सकते। नोवो में आपको पता है कभी कभी गन नहीं मिलती कंटेनर के ऊपर, एंड यहाँ पर वेयर हाउस में मुझे डीपी मिल जाती है साथ में लेवल 1 की वेस्ट। अब आपका भाई यहाँ पर फाइट लेने को रेडी है, एंड यहाँ पर राइट साइड पर मुझे हेयरिंग आती है कंटेनर्स के ऊपर एक बंदे की। ये बंदा यहाँ पर लूट रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको निपटा दिया। ये सोलो में खेल रहा था, सोलो भी स्कार्ड, और इसके पास थी स्कारल, तो जल्दी से स्कारल उठाते हैं और आगे चलते हैं। सामने बंदों की आपस में फाइट चल रही होती है, एंड यहाँ पर मुझे एक ऑफलाइन बंदा दिख जाता है, तो मैं इसको यहाँ पर जल्दी से नॉक दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं सोचता हूँ जल्दी से इसको फिनिश कर दूँ, क्योंकि किल जो है मेरे यहाँ पर सिक्योर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर किल मुझे मिल चुका है। एंड अब यहाँ पर जो बंदे थे वो बाहर की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि इनके पास लूट नहीं थी। एक दो बंदों के पास तो गन भी नहीं थी। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर एक बंदे को आपके भाई ने नोक दिया, और अब मैंने यहाँ पर सोचा कि इसके दूसरे बंदे के ऊपर पुश करते हैं। अब उसके पास यहाँ पर गन नहीं थी, इतनी देर में वो बंदा यहाँ पर गन लेकर आ जाता है। एंड गाइज, इस बार तो यहाँ पर बच गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको नोक कर दिया है। अब यहाँ पर इनका लास्ट बंदा बचा है, जो कि यहाँ पर इन छोटे छोटे घरों के अंदर छुपा हुआ है। और ये बंदा यहाँ पर क्यों छुपा हुआ है अभी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एंड यहाँ पर मैं थोड़ा ध्यान के साथ खेल रहा था, कहीं कैंप ना किया हो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं पुश करने की सोचता हूँ, और साथ ही ये बंदा यहाँ पर देखो क्रॉसबो लेकर आता है, और इसके पास होती है क्रॉसबो, इसीलिए यहाँ पर छुप चुका होता है। और यहाँ पर जो सेकंड बंदा मैंने मारा था उसके पास थी स्कारल, तो चलो यहाँ पर इसकी लूट उठाते हैं जल्दी से। एंड साथ ही यहाँ पर मुझे एक नोक नज़र आता है। ओके, तो ये बोर्ड था। अब इस बोर्ड को जिस बंदे ने नोक किया था वो बंदा यहाँ पर आसपास ही था, तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर खेलना पड़ेगा। एंड यहाँ पर मैं जल्दी से पावर का यूज़ करता हूँ, फास्ट मूवमेंट हो जाती है। एंड गाइज, ये बंदा यहाँ पर ओपन में लूट रहा होता है, और मैं यहाँ पर इसको पकड़ लेता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर मुझे पड़ती है सामने टावर से, तो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पर बुलेट का साइन ठीक से दिखाई नहीं देता। एंड यहाँ पर जल्दी से मैं सबसे पहले हीलिंग फुल करता हूँ, एंड यहाँ पर बंदा मुझे स्पॉट हो चुका है सामने। ओके, तो यहाँ पर ये वाला बंदा डायरेक्ट फिनिश हो जाता है, और अब मैं यहाँ पर समझता हूँ जो बंदे हैं ख़त्म हो चुके हैं। जल्दी से मैं यहाँ से लूट लेकर निकल जाता हूँ, बगी लेकर आता हूँ, एंड यहाँ पर मुझे बोट फायर आता है। ओके, तो यहाँ पर जो बोट था इसको हमने फिनिश कर दिया। एंड देखो, साथ ही यहाँ पर टावर से फायर आती है, एंड यहाँ पर एक बंदा टावर के ऊपर कैंप कर रहा होता है, और ये बंदा यहाँ पर स्पॉट हो चुका होता है मुझे और मेरे टीममेट दोनों को। अब ये बंदा यहाँ पर ना नीचे आ रहा होता है ना हमें दिख रहा होता है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर पुश करते हैं। एंड यहाँ पर मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ, भाई तू आगे आगे जा, अगर तुझे यहाँ पर ये नॉक करता है तो मैं पीछे से बचा लूँगा। एंड देखो गाइस, यहाँ पर सीन ओ भाई, क्या ही कैम करके बैठा था SK-12 के साथ। खैर, यहाँ से हम निकल आते हैं ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पर देखो सामने क्या ही गंदा ब्रिज कैम कर रखा होता है इन बंदों ने। और यहाँ पर मैं गाड़ी रोक देता हूँ साइड पर। यहाँ पर मैं पानी में जंप लगा देता हूँ। अब इस वक्त मेरे सामने यही एक अच्छा ऑप्शन होता है, एंड ये ऑप्शन मुझे यहाँ पर बचा देता है। जल्दी से यहाँ पर मैं हील करता हूँ, और इन बंदों की आपस में फ़ाइट हो चुकी है, तो अभी यहाँ पर मेरे पास पूरा मौका था पानी से बाहर आने का और अपने टीममेट का यहाँ पर बदला लेने का। तो अभी यहाँ पर आप लोग गौर करना, ये बंदे आपस में लड़ रहे थे, और यहाँ पर आपका भाई ना थोड़ा सा पीछे से पहुँच जाता है इनके ऊपर। एंड देखो, यहाँ पर मुझे सामने बंदे स्पॉट हो चुके हैं, एंड यहाँ पर ना मैं लेट कर स्प्रे देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर नोक को मैंने पूरी ट्राई की फिनिश करने की, बट यहाँ पर ये बंदा कवर में हो जाता है। एंड मेरे सामने आइस वॉल लगे हुए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर पैदल ही रेस्ट करते हैं, यहाँ पर मेरे पास कोई गाड़ी है नहीं। एंड यहाँ पर मैं बंदे स्पोर्ट कर रहा था, क्योंकि जो बंदा नोक था वो रिवाइव हो चुका है, तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैं फिर से एक बार बंदे को ना नोक दूँ और फिर ही उसके ऊपर पुश करूँ। एंड देखो, यहाँ पर मुझे बंदे नज़र आते हैं, दोनों को यहाँ पर मैं डैमेज देता हूँ।
इन दोनों बंदों को यहाँ पर मैंने फुल हैवी डैमेज कर दिया था। अब यही टाइम था मेरे पास रश करने को ओपन में, एंड यहाँ पर मैं बंदों के ऊपर स्कोप लेकर बैठा था। जैसे ये लोग यहाँ पर मुंडी दिखाए तो आपको भाई नॉक दे दे, बट ये बंदे यहाँ पर डर चुके थे एंड यहाँ पर इन बंदों ने एक शील्ड लगा ली। एंड अब मेरे पास यहाँ पर आइडिया था इनके ऊपर नेड करने का, सो यहाँ पर मैं नेड ट्राई करता हूँ। ओके, तो इस नेट से यहाँ पर कोई भी नोक नहीं होता। मेरे पास दो नेट और हैं तो इनको भी जल्दी से यहाँ पर ट्राई करते हैं। ओके, तो यार ये बंदा भी मेरे ऊपर नेट ट्राई करता है बट इसका नेट मुझे नहीं लगता एंड मेरा नेट भी इनको नहीं लगता। एंड ये बंदे यहाँ पर डैमेज हो चुके थे तो मैंने सोचा जल्दी से इनके ऊपर पुश करते हैं, और साथ ही एक बंदा यहाँ पर इनका बोर्ड से भाग रहा होता है तो मैंने कहा रुको चाचा। एंड यहाँ पर एक और बंदा था जो कि टीपीपी लेके खड़ा था। इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज दिया पीछे से, लगे आज यहाँ पर मैंने इसको फिनिश भी कर दिया। इसके बंदे यहाँ पर दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आ रहे थे एंड ये बंदा चला रहा था यहाँ पर बैरल, तो मैंने सोचा जल्दी से इसकी लूट उठाते हैं और साथ में बैरल भी उठाते हैं यार, क्योंकि बैरल आपके भाई के पास हो चुकी है अपग्रेड, और भाई अपग्रेड गन चलाने के ना अलग ही मज़े होते हैं। खैर यहाँ पर मैं इसके साथ से बैरल उठा कर निकल जाता हूँ आगे को। एंड अब आपका भाई निकल चुका था यहाँ पर बंदों की तलाश में, बंदे यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, सिर्फ 13 अलाइव थे। एंड यहाँ पर सामने मेरे एक गाड़ी आती है और गाड़ी में एक बंदा होता है, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ एक बंदा यार क्या डरना है एक बंदे से, तो वापस चलते हैं भाई इसके पीछे पीछे। एंड ये बंदा यहाँ पर देखो स्पीडो में भाग ही जा रहा था और भागे भागे यहाँ पर अचानक रुक जाता है यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो भाई पकड़ते हैं इसको ओपन में। ओके, तो अब इसके फायर से मुझे आइडिया हो चुका था, ये बंदा यहाँ पर फुल स्नेक बन चुका है एंड यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान के साथ खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा था इसको स्पॉट करने की, और साथ ही मुझे यहाँ पर स्पॉट होता है। ओके, तो यार यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, खैर अब नहीं बचेगा यहाँ पर। आइए गाइस, तो बैरल के साथ आपके भाई ने इसके धुएँ निकाल दिए एंड चलते हैं इसकी लूट उठाते हैं। और क्या ही मस्त मक्खन लूट लेके आए भाई, 8x और M24, वाओ। खैर हम यहाँ पर स्नैपिंग नहीं करते, करते हैं बट सिर्फ होम के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जल्दी से यहाँ पर मैं हील कर लेता हूँ। एंड अब मैं सोच रहा था ये बंदा ओपन में क्यों रुक गया एकदम से, जब मैं जाता हूँ इसकी गाड़ी में बैठता हूँ तो यार मुझे पता चलता है इसकी गाड़ी में तो फ्यूल ख़त्म हो गया होता है। एंड वहाँ से मैं निकल आता हूँ बगी उठाकर सीधा ड्रॉप के ऊपर, और ड्रॉप के ऊपर मुझे यहाँ पर मिल जाती है AWM। एंड गाइस आपको पता है मेरी स्नैपिंग बिल्कुल ख़राब है, मैं स्नैपिंग नहीं करता, बट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की है स्नैपिंग इम्प्रूव करने की, तो आप लोग मुझे बताना यहाँ पर मेरी स्नैपिंग आप लोगों को कैसी लगी। खैर यहाँ पर बंदे मुझे दिख जाते हैं ओपन में, तो बगी को मैं यहाँ पर रोक लेता हूँ। एंड यहाँ पर एक बंदे को मैं मारता हूँ हेडशॉट, बट यहाँ पर बॉडी कनेक्ट होता है, आई डोंट नो व्हाई। अब यहाँ पर तीन बंदे थे एंड एक बंदा यहाँ पर मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। इस बंदे को भी यहाँ पर बॉडी लगता है, तो साथ ही मैं बैरल से इसको नॉक कर देता हूँ। आइए गाइस, तो यहाँ पर एक सामने लेटा हुआ था एंड ये बंदा थोड़ा सा हिल जाता है। अब यहाँ पर इस गलती से मैंने ना नॉक वाले बंदे को फिनिश मार दिया, मुझे पता नहीं चला। एंड आइए गाइस, तो ये था लास्ट बंदा, इसको भी यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया। तो आपको कैसी लगी मेरी ये सच्ची सी स्नैपिंग कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक मार देना। अब यहाँ पर दो बंदे बचे हैं तो चलो यार जल्दी से उनके ऊपर चलते हैं बगी लेकर निकलता हूँ। एंड दोनों बंदे यहाँ पर मुझे एक ही गाड़ी में दिख जाते हैं और यहाँ पर मैं ओम मारने की पूरी ट्राई करता हूँ। ओ भाई यार ये कैसे शॉट मिस हो गया, फुल मेरा एम हेड पर था। यहाँ पर मैंने बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे दिया था गाड़ी में, उसने भी मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज दे दिया, तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। और अब मुझे पता होता है ये बंदे चले गए ड्रॉप के ऊपर एंड यहाँ पर मैं स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक शॉट मारता हूँ मिस हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, दूसरा शॉट यहाँ पर ट्राई करते हैं। आइए गाइस, तो ये था प्यारा सा हेडशॉट, लाइक कर देना इसी बात पे। एंड यहाँ पर इसका बंदा हो चुका है नोक, और अब मैं सोचा था रश करने की, साथ ही मैं स्कोप कर रहा था क्योंकि यार ओपन में रश करना बड़ा गलत होता है। एंड यहाँ पर मैं नेट देख रहा था, मेरे पास कोई नेट था नहीं, तो मैंने कहा चलो खैर देखी जाएगी अब। एंड आप लोग भी यहाँ पर हैरान रह जाओगे, इस बंदे ने यहाँ पर अपने टीममेट को रिवाइव नहीं दिया अभी तक, यहाँ पर देखो।
एंड यहाँ पर मुझे बंदे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर मैं गिली सूट वाले को मारता हूँ और दूसरा बंदा खुद ही मर जाता है, जैसा कि मैंने आपको कहा था वो रिवाइव नहीं हुआ होता अभी तक। एंड वीडियो कैसी लगी आपको लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार बांटो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।